तो गैस आज जो है ना हम लोगों ने ये कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं। एक हम लोग कहते हैं कि सिबलिंग्स मदर के नाम से एक चैनल खुलना चाहिए कि मैं हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने लास्ट टाइम अफ्तारी की वीडियो अपलोड की जिसपे लोगों ने यार बहुत ज़्यादा मेरा मजाक भी उड़ाया कि यार तुमने सारी वीडियो में एक रोल निकाल दिए। तो भाई मैं सबसे पहले ये कहना चाह रही हूँ कि देखो अफ्तारी और सहरी की वीडियो में यही तो होगा। खैर आज जो है सहरी की वीडियो है, तो सहरी की वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक अदद सालन जो होता है, और वो मैंने कहा आज मैंने अपनी मामा को कहा कि वो मैं बनाऊंगी। और मेरी मामा मेरा कब से वेट कर रही हूँ, कह रही कि उस सहरी हो जाएगी लेकिन तुम नहीं आओगी बनाने के लिए। तो मामा को हम इंतज़ार ख़त्म करवाते हैं। ठीक, मामा कह रही शुक्र है यूसरा आज के दिन तूने सहरी बनाने का कह दिया। गाइस आप मेरी आंखें चेक करें, मेरी आंखें फुल इस वक्त नींद से भरी हुई हैं, लेकिन यूट्यूब वीडियो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गैस आज जो है ना हम लोगों ने ये कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं। एक तो होते हैं ना कबाब, नहीं कोफ्ते बनाने हैं ना, कोफ्ते का मसाला। उसके अलावा ये सब कुछ जो है ना मामा ने बना के रखा हुआ है कि दूसरा ये सब कुछ डालें, और उन्होंने ऑयल भी डाल के रख दिया। कितनी अच्छी मामा है मेरी, मतलब गुड हो गया यार। चलिए मामा जी आग लगाए। चलो वो हम रखते हैं, और आज हम सीखेंगे कि हमें कोफ्ते किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं आता। साफ सी बात है लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है मामा के साथ मैं करने लगी हूँ, तो हम अभी करते हैं सर। तो अभी हम लोग जो है क्या कर रहे हैं मामा जी, लहसुन अदरक, लहसुन को हम लोग पीस रहे हैं। तो सबसे पहले मामा जी आप ये बताएं कि इसकी रेसिपी होती क्या है बेसिकली, थोड़ा सा ना लोगों को बताएं कि अगर जो देख रहे हैं तो अगर वो घर में बनाना चाहें। इसका मसाला बनता है ना पहले। अच्छा, घर का एक अपना टेस्ट होता है, और वो जो बाहर से मिलते हैं उनका टेस्ट हर बंदे को पसंद नहीं आता। हाँ ये मेरी मामा भी सही कह रही है, और मतलब मैंने तो मैं केनन्स के बाहर के खाती रही हूँ, लेकिन घर का अपना लेवल है यार। घर की चीज़ ट्राई किया करो, घर का बेस्ट है। पर भी मामा जो है कर रही, आप लोग कह रहे होंगे आप क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मामा मुझे करती नहीं दे रही। अब मैं जरा मामा से लेके करती हूँ। एक तो मुझे मैं मामा जी वो ग्लव भी है ना, वो ग्लव ले यार ऐसे ही कर लो, दो मिनट मेरे हाथों में मिर्चे ना लग जाए। नहीं लगते, मैं वो फिर थोड़ी महसूस होती है ना, जब करी है नीचे। अब मामा जी अब नीचे ले आए कैमरा। मेरी मामा गैस मैं आपको एक बात तो ना, मेरी मामा बिहाइंड द कैमरा बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं। हम लोग कहते हैं कि सिबलिंग्स मदर के नाम से एक चैनल खोलना चाहिए, क्योंकि मेरी मामा बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, बस वो पोस्ट नहीं करती हैं। तो अब जो है ना नीचे लेके हैं, थोड़ा आगे लेके हैं। आधी सी डालो, अच्छी मेहनत होती है। कितना डालें? आधा डालो, एक मुट्ठी डालो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इतना सा और डालो। चल ठीक है, फिर तो कोफ्ते सख्त हो जाते हैं। होप सो कि आज ये कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने आधा किलो जो है कीमा था, जिसके हमने 12 कोफ्ते बनाए हैं। कहा कि ब्राउन इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा वैसे हो गया। अब हम टमाटर डाल रहे हैं, टमाटर डाला, उसके बाद लहसुन, मिर्च, मिक्स कर रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि एंड में फिर वो हलवा ही बन जाएगा। अब ये लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और दरफल मिर्च, ये सब जो है ना हम लोग इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही आसान है, अब इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा मसाला थोड़ा रेडी हो गया,
अब हम लोगों ने कितने चम्मच दही डालना है? दो दही अब डालना है हम लोगों ने, दो चम्मच। ग्रेवी अच्छी हो गई, ठीक है। एक दो, ठीक है। इतना दही डाल गया आप चेक कर सकते हैं कि हमारी हांडी बहुत प्यारी बन गई, और यकीन करें टेस्ट वाइज में भी इतनी ही अच्छी होती है जितने शायद भी यूँ देखने में आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये टेस्ट वाइज भी इतनी ही अच्छी होती है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा मसाला रेडी करने के लिए इसको हम लोगों ने ढाम दिया है, ठीक है। तो हम अब थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इसको थोड़ा साफ करना होता है ना? नहीं साफ है। ओके ठीक है, थोड़ी सी मेथी डालेंगे हम। ये हम लोगों ने मेथी थोड़ी ऐड कर दी। बेस्ट। और अब हम लोग कोफ्ते ऐड करने वाले हैं। ओके, इसको फौरन मिक्स नहीं करना ताकि आपके जो कोफ्ते हैं वो खराब नहीं हो, क्योंकि ये थोड़े से भी ना कच्चे कच्चे हैं, जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो गाइस मामा ने कहा कि इसमें ना चम्मच मिक्स नहीं करना, चम्मच इसको ना इस तरीके से करना मिक्स। ओके, क्योंकि अभी ये जो है ना ये बीच में कच्चे कच्चे होते हैं ना, तो ये अगर मिक्स करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। मामा ने कहा इसको इस तरीके से मिक्स करना है। मामा ने मैं एक दिन एक्सपर्ट कर दे हांडी, तो यार ये तो बहुत आसान था मुझे लगता था। तो गाइस ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए और अब हम इनको दम पे रख रहे हैं और इसको हम इंशाल्लाह सारी की टाइप खाएंगे। तो आज के लिए हमारी सारी डन। तो गाइस सारी में सिर्फ अखबारे भी आ गए और हमारे अभी तक सालन नहीं बना। कोफ्ते वगैरह सारे डन कर दिए हैं और अभी जो है रात के 12 हो रहे हैं, और मैं सोचा कि मैं आप लोगों से कोई थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही यार क्या बात करूँ। खैर उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यार देखो जो हमसे बन सकता है या जो मेरे से बन सकता है, जो मैं कर सकती हूँ, मैं आप लोगों को वो दिखाती होती हूँ। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि जो मैं यूनिवर्सिटी की रूटीन है वो सब कुछ आप लोग को शेयर किया करूँ कि मेरी रमज़ान में क्या रूटीन होती है। और बेशक जो है रमज़ान हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतर चीज़ है, और मुझे शायद रमज़ान की वजह से थोड़ा सा ना यूनिवर्सिटी का हेक्टिक था थोड़ा ख़त्म हुआ है, और रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बहुत बेस्ट जा रहे हैं, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता रोज़े का, क्योंकि रोज़ा नाम ही सबर है। और बिल्कुल आप लोगों को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो ही हो क्या पता, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी वो रूटीन भी दिखाऊंगी कि मैं रमज़ान में अपनी यूनिवर्सिटी की रूटीन कैसे हैंडल करती हूँ और क्या करती होती हूँ। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जो जो चाहते हैं कि ये वीडियो हमारी होनी चाहिए वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस कोफ्तों के रिव्यू तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, अभी वो बन रहे हैं तो इसलिए मैं यहीं भी ना किचन में बैठ के आपको इस चीज़ का रिव्यू करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।